Hi, this is Khushbu with a new question of triangles. This is question number 10, exercise 6.3, page number 140 of NCERT. This says CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं. So, let's suppose this is A, B, C, and this is E, F, G. So CD और GH bisector है ACB और EGF के. CD bisector है ACB का. ACB का bisector है. बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट करना मीन्स उसको हाफ में डिवाइड कर देना. तो दैट मीन्स ये वाला हमारा एंगल वन ले लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं एंगल टू. अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है दैट मीन्स को हाफ में कट कर रही है, मतलब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है. सो उसने कहा था सी डी डी एंड एच लाई ऑन ए बी. ये डी लाई करता है ए बी पर. सेम वे एच लाई करता है ई एफ पर. तो जी एच So, ये बाइसेक्टर है ई जी एफ का. दैट मीन्स को लेते हैं एंगल थ्री, इसको फोर. बाइसेक्टर है मीन्स पूरे एंगल को हाफ में कट कर रहा है. सो एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर. सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी. अगर इसका बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. सेम वेज अगर ये बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये भी इक्वल होना चाहिए. सो जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. इसको हाफ में कट कर रहा है इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल हो. अब हमें कहा था इफ ट्राइंगल ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल एंड ई एफ जी ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है. तो हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी. Therefore, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सारी साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है. That means angle A is equal to angle F, angle E is equal to angle B, or angle C is equal to angle G. A F के इक्वल है, B E के इक्वल है, C G के इक्वल है. तो ये तो हमारे को गिवन है. Now next आता है हमारे पास टू प्रूफ. प्रूफ क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट उसमें गिवन है ट्राइंगल सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ ये जो आ रहे हैं सी डी बाय जी एच, ये सी डी ये जी एच ए सी और एफ जी, ये चीज ये ऊपर ऑनलाइन ये ऑनलाइन ये आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, ये आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हम कहते हैं साइज आर प्रोपोर्शनल. तो हम उसको कह सकते हैं हमारी साइज प्रोपोर्शनल है. तो सबसे पहले चीज हम इन दो ट्राइंगल्स को करते हैं सिमिलर. तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंगली आप ट्राइंगल देखो. तो ये आ रहा है इन ट्राइंगल से, तो पहले हम इसको सिमिलर करते हैं. सो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच डी क्या गिवन है हमारे को. हमने कहा था इन दो ट्राइंगल्स में एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि हमारे ट्राइंगल सिमिलर थे. ट्राइंगल सिमिलर थे तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन. अब अगर हमारे पास ये पूरा एंगल सी
पूरे एंगल जी टेक हुआ था, क्यों? बिकॉज हमारे ट्रायंगल सिमिलर थे। तो अगर पूरा पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल सी भी हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी गिवन, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, राइट? हाफ भी इक्वल होंगे। अब एंगल सी का हाफ इसमें क्या आ रहा है? एंगल वन। इसका हाफ आ रहा है एंगल थ्री। दैट मीन्स एंगल वन इक्वल हो गया एंगल थ्री। एंगल वन इक्वल आ गया हमारे पास एंगल थ्री। सो एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। सो एरिया सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ट्राइंगल का सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफएचजी बाय एए सिमिलैरिटी। सो ये हमने दिखा कि हमारा ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि सीडी अपॉन एचडी इज इक्वल टू एसी अपॉन एफजी, बिकॉज व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो देयरफॉर सीडी अपॉन जीएच इज इक्वल टू एसी अपॉन एफजी। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। Now let's try second part जिसमें हमें करना है DCB is similar to triangle HGE. DCB को HGE के similar देखा। And third part हमारा है DCA, ये वाला triangle similar to HGF, ऊपर वाला triangle. ये हमने already prove कर दिया है। But अगर आपको exam में आता है ये दिया है ये दिया है, आपको sequence कुछ इस तरह से follow कर सकते हैं कि पहले आप third part दिखा दो या first part, या दोनों के लिए आप individually इसको पूरा पूरा solve करके। So, मैं थर्ड पार्ट रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज ये सिमिलर है, ये ट्राइंगल सेम कर चुके हैं इसको सॉल्व। तो सेकंड पार्ट इज सो सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है दिस इज पार्ट नंबर टू। Triangle DCB similar to triangle HGP. So, in triangle को प्रूफ करो तो इसी को लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। DCB और HGE, HGF, I'm sorry, this is HGF. DCB and HG E, no, it's HGE only. So, इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या आ रहा है? ट्राइंगल पूरे पूरे सिमिलर थे ए बी सी ई एफ जी के, तो सारे एंगल्स इक्वल थे। जब सारे एंगल्स इक्वल थे तो हम कह सकते हैं ये एंगल बी भी एंगल ई के इक्वल था। मोरओवर ये पूरा पूरा एंगल इसके इक्वल था, एंगल सी इक्वल था एंगल जी के। अगर हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल है तो एंगल टू इक्वल है एंगल फोर के। सेम वे जैसे हमने एंगल वन को एंगल थ्री के इक्वल किया था। So, यहां पर आ गया हमारे पास एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, इक्वल टू एंगल ई गिवन। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी गिवन। हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। सो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है एंगल टू एंगल फोर के इक्वल। ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। तो हम एक सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। सो ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय ए ए सिमिलैरिटी। सो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं इसको। सो द थर्ड पार्ट था वो मैंने आपको सबसे पहले ही सॉल्व करके दिखाया था, बिकॉज इसको लाने के लिए पहले हमें ये वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने थे। ये हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया। So this was question number 10, 6.3 exercise. कोई भी doubt है please हमें बताइए, जो जो space given है उसमें लिखिए, and do watch the next video for some more questions on triangles. Goodbye.